सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोशन के चौथे लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कि इनको ग्राफ के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास कौन कौन से ग्राफ बनते हैं और उन ग्राफ को हम कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो अगर हम देखें तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जिस ग्राफ की हम बात करते हैं, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसे बनता है, तो देखिएगा हमारे पास दो एक्सेस होती है, दैट इज द वाई एक्सेस, ठीक है बेटा, और ये होती है एक्स एक्सेस। तो हम इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। हमने वाई एक्सेस को डिस्टेंस की लाइन माना, ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस एक्सेस एंड दैट इज द टाइम एक्सेस। तो अगर हम पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, समझिएगा। ये जीरो पॉइंट होता है, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट, दैट इज जीरो। यहां पर डिस्टेंस की कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है, यहां पर डिस्टेंस की कोई एक वैल्यू होगी d, और हम देखेंगे कि टाइम एज इट इज टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे देखेंगे, मान लीजिए यहां कोई टाइम है t1, इस t1 पर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, d। यहां पर कोई टाइम है t2, इस t2 पर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, t। यानी कि ये बॉडी अपनी पर्टिकुलर एक ही डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए है, यानी कि एज द पासेज ऑफ टाइम, ये है टाइम 3, यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डी। यानी कि टाइम पास हो रहा है बट उसकी डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि बॉडी टाइम, बॉडी के साथ देखेंगे तो बॉडी की जो डिस्टेंस है वो फिक्स हो रखी है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो बॉडी को हम क्या बोलेंगे बेटा, बॉडी इज इन एट रेस्ट। बॉडी क्या कर रही है, रेस्ट में है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, दोनों सेम चीज होगी, दोनों का ग्राफ सेम होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो सेम एज इट इज, अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख देगा और वो ग्राफ ऐसा बना है तो भी कंडीशन क्या होगी, रेस्ट की कंडीशन में होगी, यानी कि बॉडी रेस्ट में होगी। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सिमिलर होते हैं, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, देखते हैं दूसरे ग्राफ में क्या कह रहा है। तो हमारे पास ये ग्राफ है डिस्टेंस का, ठीक है, और ये है टाइम का। तो अगर हम यहां देखते हैं, ये जीरो है, यहां पर वैल्यू है t1, तो t1 को हम ऐसे मैच करते हैं, इस पॉइंट पर आता है और यहां इसको ऐसे मैच करते हैं, दैट इज d1, ओके। नाउ दैट पॉइंट इज t2, दैट पॉइंट इज t2, इसको मैच करके देखते हैं। सो यहां मैच होता है, इसको डिस्टेंस के एक्सिस से मैच करते हैं, दैट इज d2। नाउ यहां देखते हैं, दैट इज t3। अगर हम इसको मैच करेंगे तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट यहां आ रहा है, दैट इज d3। तो हमारे पास, हमको यहां ये दिखाई देगा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉडी की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, देन इट मींस बॉडी मोशन कर रही है। लेकिन कैसा मोशन कर रही है, कि जिस तरीके से टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से हमारी बॉडी डिस्टेंस को मेजर करती हुई जा रही है, यानी कि यहां जो मोशन हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। और इस यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कि बॉडी यूनिफॉर्मली स्पीड में है, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो आप यूनिफॉर्म मोशन की जगह यूनिफॉर्म स्पीड लिख सकते हैं। अगर इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट लिख दे तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, यानी कि इस ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इस टाइप का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें क्या शो करेगा, अगर हम डिस्टेंस टाइम के ग्राफ में है तो हम यूनिफॉर्म स्पीड लिख सकते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में है तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ को समझते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट ग्राफ, ठीक है, ये एक कर्व्ड लाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कर्व्ड लाइन। ये एक कर्व्ड लाइन का ग्राफ है। तो t1, यहां पर इसकी डिस्टेंस d1, दैट इज t2, यहां पर इसकी एक डिस्टेंस d2। अगर मैं इस पॉइंट पर t3 मान लेता हूं, ये लगभग मान लीजिए इसको टच कर रहा है, तो यहां पर हमें मिलेगा d3।
तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे टाइम पीरियड इंटरवली अगर इंक्रीज भी कर रहे हैं तो डिस्टेंस इंटरवली इंक्रीज नहीं कर रहा है, यानी कि जिस रेट से टाइम इंक्रीज कर रहा है उस रेट से डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा है, यानी कि पहले ज्यादा टाइम ले रहा है कम डिस्टेंस कवर करने के लिए, फिर थोड़े से ही टाइम पीरियड में इसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली, एक छोटे से टाइम पीरियड में इसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली, यानी कि बॉडी मोशन तो कर रही है लेकिन कैसा मोशन कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर डिस्टेंस है तो हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या बोलेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर यही डिस्प्लेसमेंट लिख दिया होता डिस्टेंस की जगह तो हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट ग्राफ में आपको ये दिख रहा है, यहां जीरो है। अब इस पॉइंट पर डिस्टेंस की कोई वैल्यू ऑलरेडी है, इस पॉइंट पर डिस्टेंस की कोई वैल्यू ऑलरेडी है और ये बॉडी भी इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रही है। तो इसका मतलब यहां पे अगर हम देखेंगे दैट इज टी, यहां पर आएगा टी वन, तो बॉडी की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस से बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, यानी कि बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, उसके बाद ये यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड में, तो ये भी ग्राफ भी यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने यहां देखा था कि द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड। अब ये स्लोप क्या होता है बेटा, देखिएगा स्लोप जो होता है वो निकलता है ग्राफ के परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट से और अपॉन बेस, ठीक है। और ये निकलता कैसे है देखिएगा, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, यानी कि वाई एक्सिस डिस्टेंस का मेजरमेंट और अपॉन टी टाइम का मेजरमेंट, सीधे सीधे समझिए। तो अगर हम इस ग्राफ में स्लोप निकालेंगे तो स्लोप निकालने का मतलब हम इसकी वेलोसिटी या स्पीड निकाल रहे हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम स्लोप की बात करेंगे, स्लोप इज द वेलोसिटी, तो इसका स्लोप क्या आएगा परपेंडिकुलर, तो ये एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर ये आएगा, दैट इज कॉल्ड डी, इसकी एक वैल्यू आएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर इसकी कोई वैल्यू आएगी। और अगर हम आगे देखेंगे तो नीचे आएगा टी, तो टाइम की तो एक वैल्यू हम निकाल लेंगे लेकिन इसका कोई स्लोप बन रहा है क्या, अगर हम ऐसे लिख भी लें परपेंडिकुलर अपॉन टी, बट यहां पे हम देखेंगे कि इसका कोई भी स्लोप फाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा, इसका कोई भी स्लोप फाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों, अगर हम इसमें देखेंगे कि स्लोप क्यों नहीं फाइंड हो रहा है, तो अगर हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका कोई भी स्लोप फाइंड नहीं होगा, तो अगर इसका कोई भी स्लोप फाइंड नहीं होगा तो स्लोप की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जीरो। तो इस कंडीशन में बॉडी की जो स्पीड या वेलोसिटी लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी बेटा, जीरो लिखी जाएगी, तब हम कहेंगे कि बॉडी किसमें है, रेस्ट में है, यहां पर कोई भी स्लोप फाइंड नहीं होगा, तो यहां पर बॉडी रेस्ट में है। और इसका इस वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि ये बॉडी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें स्लोप देखने की कोशिश करेंगे, तो स्लोप यहां पर बन रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये पर्टिकुलर किसी एंगल पे बन आएगा और यहाँ पे स्लोप बन रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हाइट यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की बेस की डिस्टेंस। तो अगर हम इसके स्लोप को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इसका स्लोप मिल जाएगा और हमें इसकी स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी थ्री अपॉन टी थ्री, ठीक है बेटा। जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ में न्यूमेरिकल्स दिए होंगे यानी कि नंबर्स दिए होंगे तो उससे हम इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं, सेम एज इट। यहां पर स्लोप फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, तो हर पॉइंट पर इसकी अलग अलग स्पीड आएगी। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर निकालना है तो मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा इसके टेंजेंशियल पाथ पर और इसका स्लोप निकालूंगा, अगर मुझे यहां से निकालना है तो मैं इसके टेंजेंशियल पाथ पे निकालूंगा, अगर मुझे यहां से निकालना है तो मैं इसके टेंजेंशियल पाथ से निकालूंगा, तो मुझे अलग अलग स्पीड हर पॉइंट पर मिलेगी क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है। ये बॉडी भी यूनिफॉर्मली स्पीड में है, यूनिफॉर्म स्पीड में है, लेकिन यहां पर इसकी ऑलरेडी इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है, ठीक है। तो हम स्लोप से क्या निकाल लेते हैं बेटा, स्लोप से हम निकाल लेते हैं स्पीड को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्पीड और टाइम के ग्राफ की, आगे हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ कह लो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लो, स्पीड टाइम ग्राफ कह लें या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लें, सेम,
ठीक है, बस स्पीड की जगह हम वेलोसिटी लिख देंगे, बाकी सारा ग्राफ वैसा ही बनेगा। तो आइए इस ग्राफ को रीड करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इस एक्सिस में हमको दिखा रहा है कि ये स्पीड की एक्सिस है और ये टाइम की एक्सिस है। इसमें लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि टाइम एज इट इज बीतता जा रहा है, बट उसकी कोई वैल्यू है स्पीड की, वो कॉन्स्टेंटली बनी हुई है, यानी कि बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड में है। हम चाहे इसे कॉन्स्टेंट स्पीड बोलें या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है। किसमें है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म को हम कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में है बॉडी। अगर यहां स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखता तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे कि बॉडी इस तरीके से स्लोप बनाते हुए स्ट्रेट लाइन में है। तो यहां पर हम कहेंगे कि बॉडी का जो बॉडी की स्पीड जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो अगर बॉडी की स्पीड में यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है तो इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। बॉडी किसमें है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। अगर यहां पर स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखता तो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाती तब भी। तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि बॉडी यहां पर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब बॉडी की स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। तो जब बॉडी की स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन होती है बेटा, तो हम उसे कहते हैं कि बॉडी रिटार्डेशन कर रही है। क्या कर रही है? रिटार्डेशन कर रही है। तो जब बॉडी की स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन होती है तो हम कहते हैं कि बॉडी रिटार्डेशन कर रही है। तो हम देखेंगे कि स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये क्या है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। नेक्स्ट, अब यहां पर भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो कर रही है, लेकिन बॉडी के पास पहले से, अगर आप यहां ओबी के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो यानी कि बॉडी ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो बॉडी के पास पहले से ही कोई ना कोई स्पीड थी। बॉडी के पास यहां इस ड्यूरेशन में कोई स्पीड थी और उसके बाद बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मोशन कर रही है। इज दैट क्लियर? बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट ग्राफ, अब ये एक कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन के ग्राफ में हम देखेंगे कि स्पीड और टाइम के बीच में अगर कर्व्ड लाइन का ग्राफ बनता है तो इसका मतलब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। कैसा एक्सेलरेशन कर रही है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। इस ग्राफ में मैं कुछ और ग्राफ भी आपको बताते चल रहा हूं साथ ही साथ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब देखिए, ये कॉन्स्टेंट स्पीड को काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा बन जाए आपका, ये टाइम की एक्सिस है और ये स्पीड की एक्सिस है। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, ये जीरो की वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए कि टाइम एक्सिस के साथ ही ये लाइन जाने लगे, ये लाइन टाइम एक्सिस के साथ ही जाने लगे यहां पर, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या कर रहा है कि टाइम तो स्पेंड हो रहा है बट उसकी स्पीड क्या है? जीरो पर बनी हुई है। तो इसका मतलब कि इस कंडीशन में बॉडी के साथ क्या कर रही है बेटा? रेस्ट में है। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ में आपका ग्राफ की लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के कोलिनियर हो रही है, उसी के ऊपर से ओवरलैप करते हुए जा रही है, तो हम कहेंगे कि बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, हमने इस ग्राफ को देखा, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद हमने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को भी देखा, इसको भी देखा, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका एक ग्राफ ऐसे बन सकता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये टाइम की एक्सिस है, ये स्पीड की है। अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है तो ये एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि ये कर्व लाइन है और कर्व लाइन में धीरे धीरे स्पीड डाउन हो रही है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये क्या हो जाएगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा, इसमें कुछ स्टेटमेंट भी हम लोगों ने देखे हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। एरिया डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो पहले ग्राफ में स्लोप क्या आएगा बेटा? पहले ग्राफ में स्लोप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ग्राफ की लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हमें स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस से ही निकालना होता है।
तो पहले ग्राफ में देखेंगे कि ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पर हमें कोई भी स्लोप नहीं मिल रहा है, इज दैट क्लियर। तो जब हमें कोई स्लोप नहीं मिलेगा तो इसका मतलब यहां पर बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो जब बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं होती है, इज दैट क्लियर। दूसरा पॉइंट, एरिया अंडर द ग्राफ गिव अस डिस्टेंस। तो एरिया निकालते किसके साथ है, ग्राफ की लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया हम निकालते हैं, यानी कि हमें ये एरिया निकालना होता है, ठीक है बेटा। कौन सा एरिया निकालते हैं, ये एरिया हम निकालते हैं, ग्राफ की लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालते हैं। इसको अगर हम फाइंड करेंगे, दैट इज द एरिया, ये एरिया क्या शो करेगा, इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस मेजर करेगा ये एरिया, ठीक है। तो यहां पर बॉडी स्पीड में है, कॉन्स्टेंट स्पीड में है, तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम डिस्टेंस इसके एरिया से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर स्लोप नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला ग्राफ देख लेते हैं, अगर हम लोग इस वाले ग्राफ को समझेंगे तो इसमें क्या समझ में आता है, देखिएगा। बॉडी को मैंने रेस्ट में लिखा है क्योंकि स्पीड जीरो है, यहां पर स्लोप होगा नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस और टाइम की एक्सिस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो यहां पर बॉडी की स्पीड तो है ही नहीं, तो बॉडी रेस्ट हो गई। अच्छा, एरिया, अगर मैं एरिया देखूं तो दोनों लाइन यानी कि ग्राफ की लाइन और एक्स एक्सिस की लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो इनके बीच में कोई भी एरिया नहीं आएगा। तो जब एरिया होगा ही नहीं तो इसका एरिया नहीं होगा तो इसका मतलब बॉडी ने डिस्टेंस कवर नहीं किया है, तो इसीलिए तो बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब उसका एरिया ही नहीं आएगा क्योंकि बॉडी ने कोई भी डिस्टेंस नहीं कवर किया। सो एरिया इज बिकम जीरो, देन इट मींस बॉडी ने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया और इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा बेटा, रेस्ट। नेक्स्ट, इस ग्राफ की बात कर लेते हैं, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ है, ठीक है, ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या आएगा, पी क्यू। यहां पे अगर मैं स्लोप की बात करूंगा यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड करने की बात करूंगा जिसकी जिसे हम स्लोप कहते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी पी क्यू अपॉन ओ क्यू। सो पी क्यू अपॉन ओ क्यू इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, देन इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और एरिया अंडर दिस ग्राफ, ग्राफ की लाइन ये है और यहां से मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर डाली हुई है x एक्सिस पे और ये x एक्सिस है, इतना एरिया हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये एरिया हमारा जो आएगा दैट इज डिस्टेंस कवर, ये डिस्टेंस कवर करने का होगा, ठीक है। ये एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है बेटा। तो इसके लिए कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, ये एक ट्राइंगुलर शेप में है तो 1/2 हाइट इनटू बेस, ये हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिटार्डेशन है, यहां पर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड बॉडी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देखेंगे तो यहां पर हमारा स्लोप इस साइड से आएगा, तो इस साइड से स्लोप आने का मतलब निगेटिव स्लोप आएगा, तो निगेटिव स्लोप का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिटार्डेशन कहते हैं, तो यहां से हमको स्लोप मिल जाएगा। दूसरा, इसके अंदर का एरिया, ये एरिया हमें क्या बताएगा कि बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट, यहां पर बॉडी ऑलरेडी मोशन में, पहले से इसके पास ऑलरेडी एक स्पीड थी, उसके बाद ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आई, तो हमको स्लोप मिल जाएगा यहां से, कोई दिक्कत नहीं है बॉडी का, इस पॉइंट से स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा, हम बॉडी के लिए एरिया फाइंड करने के लिए हम यहां से एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन को खींचेंगे तो हमें दो तरीके से एरिया मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल एरिया निकालना होगा, तो ट्रेपेजियम बनेगा। एक पहले ये एरिया, दैट इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, और उसके बाद एक ये एरिया, ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म में ये एरिया है। तो हम इन दोनों एरिया की वैल्यूज निकाल के क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो जब हमें टोटल एरिया मिल जाएगा तो बॉडी ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हमें यहां से मिल जाएगा, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ इज गिव अस द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट, बॉडी यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो इसका मतलब हमें एक स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग मिलेगा। अगर हर पॉइंट पे बॉडी का स्लोप अलग अलग मिलेगा यानी कि हर पॉइंट पे बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि तभी तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहां पर हमें निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इसका टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए भी हमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये कर्व लाइन है, ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाता है ये, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्पीड और टाइम के ग्राफ में, चाहे हम स्पीड टाइम बोल लें या हम वेलोसिटी टाइम बोल लें,
इनके ग्राफ में हमें जो स्लोप मिलता है वो एक्सेलरेशन को शो करता है, अगर स्लोप निगेटिव आता है तो रिटार्डेशन को शो करता है, और इनके अंडर का एरिया जो होता है बेटा, एरिया जो होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा? फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at, that is the first equation. Second, s is equal to ut plus half at square, that is the second equation. Third equation क्या होती है बेटा? v square is equal to u square plus 2as. हमारे पास ये तीन equation होती हैं। इनको हम लोगों ने drive किया था, लेकिन अब इनको हम drive करेंगे with the help of graph. कि ग्राफ से इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, यानी कि विद द हेल्प ऑफ बाय ग्राफ, ग्राफ के थ्रू हम इन इक्वेशंस को फाइंड करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, तब तक आप लोग पढ़िए। बाय बाय।